शुभांशु मित्रा। चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस की वजह से मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद इसके केसों में न तो कमी आ रही है और न ही किसी तरह की रोकथाम देखने को मिल रही है। उल्टा एक के बाद एक कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। ये वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के वुहान से शुरू हुआ ये वायरस अब तक दुनिया के 70 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। खुद चीन के 30 प्रांत इसकी चपेट में है और पूरी दुनिया में अब तक इसकी वजह से 3,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वायरस को आप जितना खतरनाक समझ पा रहे हैं, ये वायरस उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। पहले कहा जा रहा था कि भले ही इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन ना बनी हो, लेकिन इसका इलाज संभव है। हमने कई केसों में ऐसा देखा भी है, पर शंघाई के एक न्यूज़पेपर में ऐसी खबर छपी है जो आपको हिला देगी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर एक बार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज ठीक हो भी गया तो भी उसकी मौत हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें पहले तो हॉस्पिटल ने कोरोना से संक्रमित मरीज को ठीक हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन घर जाने के कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कोरोना से ठीक होने वाले मरीज के शरीर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण पाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान शहर में ली लियांग नाम के शख्स को 12 फरवरी को कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। ली में इस वायरस के माइल्ड से लेकर मॉडरेट लक्षण दिखाई दे रहे। ली का 2 हफ्ते तक अस्पताल में इलाज चला, जिसके बाद वो ठीक हो गए तो अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। ली की पत्नी मे के मुताबिक अस्पताल ने उन्हें होटल के किसी कमरे में 14 दिन तक अलग थलग रहने की सलाह दी, लेकिन डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी और वो 2 मार्च को फिर बुरी तरह बीमार पड़ गए। जब ली को दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ली की मौत कोरोना वायरस की वजह से ही हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से बीमार पड़ने वाले लोग ठीक होने के बाद दोबारा बीमार पड़ रहे हैं। इस बात की पुष्टि वुहान के डॉक्टर भी कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के कई मामले सामने आए जिसमें एक बार मरीज के संक्रमण से बाहर आने के बाद भी उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए। सिर्फ वुहान में ही कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पताल में पहले ठीक मानकर डिस्चार्ज कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह के कई केस सामने आने के बाद चीन सरकार और अलर्ट हो गई। वुहान के डॉक्टर अब मरीजों की एंटीबॉडी की भी जाँच कर रहे हैं। एक बार कोरोना का इन्फेक्शन ठीक होने के बाद मरीजों की फिर से एंटीबॉडी की जांच की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। एक तरफ जहां इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने चिंता और बढ़ा दी। हांगकांग में एक पालतू कुत्ते में कोरोना का संक्रमण पाया गया। यह अपने आप में पहला ऐसा मामला है जब इंसान से जानवर में कोरोना का संक्रमण हुआ है। कहा जा रहा है कि इस कुत्ते की मालकिन को कोरोना था, जिसके बाद उसके कुत्ते को भी कोरोना की पुष्टि हुई।